सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 2021 में आपका होने वाला पेपर है क्लास 10th के उन बच्चों की जिनका इस साल बोर्ड है, तो आपको अपने बोर्ड के पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, वो पूछ रहे थे कि भैया हमें सारे पेपर का फॉर्मेट बता दो। तो सारी चीजें तो cbse.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप चाहे तो वहां पे जाके डाउनलोड करके सारी चीजों को खुद से भी समझ सकते हैं। बट इस वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट लेके आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से आपका पेपर आने वाला है, किस सिस्टमेटिक ऑर्डर में पेपर आपको दिखाई देगा, किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है। तो इस सेशन की हाईलाइट ये होगी कि सारे सब्जेक्ट के आपको फॉर्मेट पता चलेंगे और किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, दो टॉपिक पे एकदम अच्छे से बात करूंगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की, साइंस की। तो साइंस का जो भी पेपर होगा, आपको पता है कि आपके साइंस में तीन, यहां पे देखो, हाँ, साइंस में आपके तीन पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तीनों को आपको इक्वल टाइम देना है, इक्वल हर एक बराबर तरीके से पढ़ाई करनी है उसकी, ताकि डिसबैलेंस ना हो जाए आपका। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं कि जो पेपर होगा आपका वो चार भागों में डिवाइड होगा, ए बी सी डी। देर आर 36 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। अब आपको भैया ये तो पढ़ी हुई चीजें आप फिर से पढ़ा दे रहे हो, तो इस चीज को समझ लो एक बार कि चार सेक्शन में आपका पेपर होगा, टोटल 36 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ही आपको पता है कि 1 मार्क्स वाले होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से समझ लो हर एक सब्जेक्ट को, ये भी बता दूंगा कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ये आपका 1 से 20 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते समय ये ध्यान रखेंगे कि आपको गलतियां कम से कम करनी है, निगेटिव नहीं है फिर भी, क्योंकि आप जब सही करेंगे, कब सही करेंगे, जब आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो इसलिए बुक रीडिंग जो है वो ना काफी ध्यान से किया करो आप लोग। ठीक है, उसके बाद इसमें एमसीक्यू रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एसेशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और जो भी ये चीजें रहेंगी वन वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात करें तो ये 21 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन है वो सेक्शन नंबर बी में दो दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, दो दो नंबर के, पहला पार्ट आपका एक एक नंबर का रहेगा, दूसरा पार्ट दो दो नंबर का रहेगा। एक चीज ध्यान ये रखना है कि दो दो नंबर वाले क्वेश्चन में 2 से 3 लाइन ज्यादा नहीं लिखना है। आपको जो चीज पूछी जाए, अगर स्फेरिकल मिरर के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके दो टाइप, दोनों का नाम लिखना है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, बस हो गया, दो नंबर इतने में मिल जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दो नंबर वाले क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखेंगे कि जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है, तभी सही नंबर मिलता है। ठीक है, तीसरी बात करें सेक्शन नंबर सी, तो यहां पे आपके पास 27 से लेकर 33 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स में आपको अब 5 से 8 लाइन लिखनी है। अच्छा, कहानियां लिखने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप पॉइंट वाइज में आंसर दें। जब भी आप किसी टॉपर की आंसर शीट देखेंगे, उसके आंसर शीट में एक खासियत आप ये पाएंगे कि उसकी आंसर शीट बहुत सिस्टमेटिकल ऑर्डर में होती है, बहुत अच्छे तरीके से लिखता है। ये नहीं कि सिस्टमेटिकल की पहले पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड सिस्टमेटिकल ऑर्डर। आपको जो आता है उस सेक्शन को पहले करिए, ठीक है, उस सेक्शन में बहुत सिस्टमेटिकल, जो कि आप सही सही कर रहे हैं, सही, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसको शुरुआत में ऐसे 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 करने का जब उसे मौका मिलता है ना, लास्ट में पहुंचते पहुंचते जब आपकी एक आध गलतियां भी होती है ना, वो इतनी ज्यादा अच्छाइयों से गुजर के आता है, उसे लगता है कि इस बच्चे ने काफी अच्छी मेहनत की है, काफी अच्छे तरीके से कॉपी लिखा है, इसे बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से आती हैं। तो आपकी वो छोटी छोटी गलतियों को भी वो भूल, मतलब कि छोड़ देता है। इसलिए पहले क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आता है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको कम आता है, थोड़ा सा उसमें आपको डाउट हो तो उसको लास्ट में करें। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं। इसके बाद आपका है सेक्शन नंबर डी, जो कि इसमें आपको 34 से लेकर 36 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका रहेगा 7 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें रहेगा आपका 6 क्वेश्चन। ठीक,
और इसमें आपको पता ही है कि 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 20 से 26, 26 तीन 29, 29 60, 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, और ये आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स क्वेश्चन किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं, जो भी चीजें आपको पूछी जाएंगी उसके बारे में आप बताएंगे, उसके बारे में बताने के बाद उसके थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे उसके बारे में, उसका जितने टाइप रहेंगे, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके जितने टाइप रहेंगे वो उनका नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद इन दोनों की भी डिटेलिंग करेंगे, इन दोनों को समझाएंगे, इन दोनों का एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ फिगर बनाने में बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको 5 नंबर या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पे आपको याद आता है उस टॉपिक से रिलेटेड कोई फिगर, तो फिगर जरूर बनाएंगे, क्योंकि इससे कॉपी आपकी इंप्रेसिव लगती है और एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि इस बच्चे को अच्छे तरीके से नॉलेज है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है, ठीक है, तो जो कि सैंपल पेपर सीबीएसई ने डाला है तो आप ये देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन अलग अलग चीजें पूछी गई है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, आपको सिलेबस बार बार कुणाल सर ने बता दिया है, ठीक है, तो इस तरह से आपको एसेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या पूछा है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी, रीजन है कि द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, तो आप बायो में जब ये फूड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या ये रीजन इसका सही है या नहीं सही है, इसके बारे में आपको यहां बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 to 20, चलो अच्छा सेशन रीजन में क्या पूछते हैं, ये है स्टेट द रोल ऑफ पेन, ये फॉर क्वेश्चन 14, 15, 16 एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। पहला ऑप्शन है बोथ जो दिया गया है एसेशन और रीजन, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका कारण जो दिया गया है, दोनों चीजें सही लिखी गई है, या फिर बोथ ए आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, मतलब कभी कभी क्वेश्चन तो सही लिखा रहता है और उसका रीजन भी सही लिखा रहता है लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, या फिर सी ऑप्शन होगा जिसमें ए ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा, या फिर ए फॉल्स होगा और रीजन इसका ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरह से एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और ये कौन से हैं 17 to 20, ये भी एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चन है, कंटेन 5 सब पार्ट, यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट इन दिस क्वेश्चन। हाँ, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई कि आपको ऑप्शन कहां कहां मिलेंगे, चलिए ये भी क्लियर कर लेते हैं। ओवरऑल चॉइस आपको नहीं दी गई है, इंटरनल चॉइस आपको कुछ क्वेश्चन में दी गई है, ये चीजें आपको जब आप सैंपल पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि ओवरऑल चॉइस तो नहीं दी गई है बट हमें कहीं कहीं चॉइस दी गई है, जैसे कि यहां पे आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 4 ही करने हैं, तो इस तरह से जहां पे आप भी क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर्स लिखेंगे और समझ के, ठीक है। चलिए तो एक नंबर वाले क्वेश्चन हो गए हमारे सारे, 20। तो इस सैंपल पेपर को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे देखिए इंटरनल चॉइस की जो मैं बात कर रहा हूं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आप, तो यहां पे आपके पास 2 क्वेश्चन रहेंगे। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, दोनों क्वेश्चन आता है उन्हें और वो दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये गलती है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको एक ही पर आंसर मिलेगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक। तो इस तरह से 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक आपका सेक्शन भी है, ये दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये आपका सेक्शन सी है, तीन तीन नंबर का होगा। सेक्शन डी 34, 35, देखिए यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, इन दो क्वेश्चन में से जो आपको अच्छे तरीके से आएगा वही आप अटेम्प्ट करेंगे, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही आपको करना है, ठीक है। ये देखिए आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम वाला, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है हमारे उस पर क्वेश्चन है, तो ये है 36, इसमें भी आपको ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको चीजें मिलेंगी, आई होप साइंस की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसी तरह से हम लोग अब बात करेंगे मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स का पेपर आपको पता है कि 80 नंबर का पेपर होगा ये भी, ठीक है, 20 नंबर आपको आपके स्कूल से मिलेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पार्ट ये है, इससे आपको 32 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है,
अब आप लोग सोचेंगे कि वाओ, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन से हमको 32 नंबर मिल जाएंगे और इससे आपको मिलेंगे 48 मार्क्स। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, 16 क्वेश्चन तो आपके होंगे एक एक नंबर के, 16 × 1 यहां से 16 मार्क्स। और केस बेस्ड आप लोग मतलब कि फालतू में डरते हैं। ठीक है, केस बेस्ड बहुत एक अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया किया गया है कि केस बेस्ड आपके सिलेबस में डाला गया है, क्वेश्चन पेपर में डाला जा रहा है, क्योंकि आपको मैथ्स का महत्व, मैथ्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि आपके डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, किस तरह से आप रिलेट करते हैं चीजों को। इसलिए केस स्टडी बहुत अच्छे सवाल होते हैं, ये आपके मेमोरी को देखते हैं किस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। केस बेस्ड के आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन नंबर 17 केस बेस्ड खोला, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, अब इस 5 में से आपको सिर्फ 4 करने हैं। यहां पे ये ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, हर में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 नंबर, यहां से 16 नंबर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, इस तरह से आपको 32 नंबर पार्ट ए से मिलेंगे। बात करें पार्ट बी की, तो आपका ये 6 क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा, 12 नंबर, 7 क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का रहेगा, 21 एंड 3 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के बड़े वाले रहेंगे। ठीक है, ये हो गया 15, तो ये आप जोड़ेंगे तो ये 48 मार्क्स का आपका इस तरह से पेपर बनेगा। अब देखो आपका जो पेपर होगा, इसमें ये तो बात है नहीं कि कितनी क्या लिखना है, आपको जो चीजें आएंगी, 5 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े होंगे, उसमें अटेम्प्ट लंबा जाएगा तो उसको लंबे तरीके से करेंगे, तो उस तरह से ये चीजें होंगी। ठीक है, पार्ट ए आपको बता दिया। हाँ, इंटरनल चॉइस की बात करें तो आपको बहुत बहुत जगह आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, इंटरनल चॉइस आपको 2 क्वेश्चन में मिलेंगी 2-2 नंबर वाले में, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 नंबर वाले में और 1 क्वेश्चन में मिलेंगे 5 नंबर वाले में। तो इस तरह से आपको इंटरनल चॉइस 1 नंबर वाले में भी यहाँ पे देखने को मिल गई, तो इस तरह से इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। आपका पेपर इतना ऐसा होगा ना कि आप पास तो आराम से हो जाएंगे, तो पास के लिए जो सोच रहे हैं बच्चे डर रहे हैं वो तो सोचे ही नहीं, अगर किताब आपने खोल रखी है, किताब आप खोल के पढ़ाई कर रहे हो तो आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, तो ये केस बेस्ड वाले देख लो। अब ये जहाज वहाज बनाएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, आप विजुलाइज कर पाओगे, चीजें सोच पाओगे। अब इस तरह से देखो, इसको देख के लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज यूज किया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ये देखो टनल है, अब ये कहां से क्वेश्चन आया होगा, ये आपका पैराबोला है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये होती है केस बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो स्टैटिस्टिक्स से है। ठीक है, अब बात करें, देखो पार्ट बी की बात बता दो, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ये ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरह से आपको बीच बीच में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप सारी चीजें सैंपल पेपर से सब कुछ अच्छे आराम से डाउनलोड करके समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मैथ का बात, अब बात करेंगे हम लोग सोशल साइंस की। ठीक है, सोशल साइंस का जो पेपर होगा वो भी 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, टोटल 32 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, साइंस और मैथ लगभग ये कहीं फॉर्मेट में था। बात करेंगे एसएसटी की, तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑल्सो। ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं, अर्थव्यवस्था आपके देश की इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं, ज्योग्राफी आपके आसपास एनवायरमेंट, आपका देश, आपका वर्ल्ड कैसा है, किस तरह से चीजें ये बताई जाती हैं, हिस्ट्री आपके पुराने समय में क्या क्या हुआ था, किस तरह से आज आपकी जनरेशन जो आजादी महसूस कर रही है, जो चीजें आपको मिली है उसके पीछे की कारण क्या है, किस तरह से लोगों ने ये चीज हमको दी है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में, तो आपको चारों सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे तो ये पेपर ए में, पेपर में आपका सेक्शन जो होगा 16 नंबर आपको एक एक नंबर वाले मिलेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लिखने होते हैं, लिखते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एसएसटी के पेपर में आपको आंसर्स पॉइंट वाइज ही लिखने हैं। ठीक है, आंसर्स हमेशा पॉइंट वाइज लिखने हैं। सेक्शन भी आपका 17, 5, 22, 6 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक है, सेक्शन सी
आपका चार क्वेश्चन जो होगा वो चार चार नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी पांच क्वेश्चन आपके पांच पांच नंबर के बड़े वाले होंगे, ठीक है। 25, 6, 5, 11, 11, 8, 19, ठीक है। इस तरह से चीजें रहेंगी आपकी। हाँ देखो ये चीजें छूट रही थी ना, मैप वाले भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। मैप वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 होगा जो वो मैप का होगा, पांच नंबर का मैप आपका होगा 32.1, जो एक पार्ट इसका हिस्ट्री से होगा और एक पार्ट ज्योग्राफी से होगा, ठीक है। कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कहां पे वो सारी चीजें लिखी हुई है ना हिस्ट्री में, वो सारी चीजें पूछी जाती है कि कब कहां पे बैठक हुई थी। हाँ, राउंड टेबल मीटिंग जिसे कहते हैं हिस्ट्री में, कांग्रेस की जब पार्टी थी ना तो वो बहुत जगह बैठकें करती थी, कोलकाता में और चेन्नई में या दिल्ली में, जहां भी, तो सारी चीजें समय के हिसाब से लिखी गई हैं। तो दो नंबर आपका हिस्ट्री से रहेगा और तीन नंबर आपका ज्योग्राफी से रहेगा। तो ये सारी चीजें छूट रही थी इसलिए मेरा वो गड़बड़ हुआ था। 16 × 1 = 16, इसको जोड़ोगे तो 80 आएगा ही, ठीक है। तो इस तरह से चीजें रहेंगी आपके पेपर में, दिखाई देंगी आपको। इंटरनल चॉइस की बात करें तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और ये सारी चीजें तो मैं बता ही दिया हूँ, पेपर देख सकते हो। इस तरह से चीजें रहेंगी, 16 क्वेश्चन आपको दिखे, इंटरनल चॉइस यहाँ पे दी गई है ना। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कहीं कहीं ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर, रेड टू ब्राउन इन कलर। जब आप पढ़ोगे तभी आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो 16 क्वेश्चन आपके रहेंगे एक एक नंबर वाले, इसमें दो नंबर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैंने इतनी अच्छी चीज आपको दे दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको डाउनलोड करो, पेपर जब पढ़ते हो, अपनी बुक जब पढ़ते हो तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए मैंने। तो इस तरह से देख लो, इंटरनल चॉइस यहाँ पे दी गई है। सेक्शन सी की बात करें तो आपके चार क्वेश्चन रहेंगे, चार चार नंबर के, ठीक। इसमें भी इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़े, किताब को अच्छे से पढ़े, ठीक है। सेक्शन डी की बात करें तो आपके पास पांच क्वेश्चन होंगे, यहां से नंबर काफी अच्छा खासा आप उठा सकते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि पांच नंबर वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ज्यादा है, ठीक है। 25 नंबर आपको यहां से उठाना है। कहानी नहीं लिखनी है, बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन लिखते समय आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एसएसटी में पॉइंट वाइज लिखेंगे, एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगता है। पांच नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने 7 पॉइंट लिख दिए ना, 7 पॉइंट, पांच नंबर के क्वेश्चन में 7 पॉइंट ऐसे करके लिख दिए, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने कहानी नहीं लिखी है, इसको सारी चीजें पता है। 6 पॉइंट 7 पॉइंट इतना भी आप अगर लिख के आ जाते हो तो आप अच्छा, जबकि आप जब कहानी लिखते हो एक लाइन भरते हो, दो लाइन भरते हो, तीन भरते हो, चार भरते हो, पांच भरते हो, सोचते अरे यार कुछ नहीं आता ना, बीच में गाना लिख दो, फिर लिखते हो, फिर गाना लिख देते हो, फिर लिखते हो, और जब वो गाना पकड़ा जाता है तो आपका नंबर आ जाता है 5 में से 1 नंबर। फिर कहते हो यार मैंने तो बहुत अच्छा एसएसटी का पेपर करके आया था, मेरा क्यों 41 नंबर ही आया, हला उसका टॉपर का आ गया है 78, क्यों? क्योंकि टॉपर ये चीज करता है ना, आपको एसएसटी में सबसे अच्छी चीज ध्यान रखने वाली है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, पॉइंट वाइज ही आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार ये मैं चीजें बताता हूं, ठीक। देखो ये मैप वाले क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। अब देख लो, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैप में क्या पूछा गया है। नेम द स्टेट वेयर द, हाँ एक चीज और चीज, इसमें 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 6 में से 5 की ही मैपिंग करनी है, 6 क्या 7 है, ठीक है, 7 में से 5 की ही मैपिंग करनी है। सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड कहां पे 1920 में किया गया था, ठीक है। स्टेट वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लैनेट वाज स्टार्टेड, कहां से नील की खेती वाली चीजें कहां से स्टार्ट हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको मैप में दिखानी होगी, पॉलिटिकल मैप है, इसी पे ज्योग्राफिकल भी आपको रिप्रेजेंट करनी होगी। तो इस तरह से आपकी चीजें होंगी एसएसटी में। अब बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दी थी कि जो है वो आपका पार्ट ए 40 नंबर का होगा, रीडिंग सेक्शन होगा, इसमें बहुत अच्छे से मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाई है, उसको भी देख लेना। पार्ट ए 40 नंबर का होगा, दो पैसेज आपको शुरू में मिलेंगे, पहला पैसेज 10 नंबर का, 12 क्वेश्चन रहेंगे, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। 12 में से सिर्फ 10 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 10, 11, 12, ठीक, कितने करने हैं 10 अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद एक थोड़ा छोटा पैसेज मिलेगा, नहीं ये बड़ा वाला पैसेज मिलेगा, एक छोटा एक बड़ा मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है।
इसमें भी आपको 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 12 दिए रहेंगे। ये नई बात है, इंग्लिश की बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने इंग्लिश पे वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिंक में डाल दिया हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये है भाई इंग्लिश की बात। इसके बाद लिटरेचर सेक्शन से भी मैं जब ये रीडिंग क्या है अनसीन पैसेज की बात करता हूँ, अनसीन में एक सीन पैसेज भी आपको दो मिलेंगे, पांच पांच नंबर के, एक प्रोज से एक पोएट्री से, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये आपके सीन पैसेज हैं, ये आपके लिटरेचर में काउंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें रहेंगी। 40 नंबर का आपका ये रहेगा, ये बहुत अच्छा सेक्शन है, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से नंबर उठा सकते हैं। और मैं अभी सारे सब्जेक्ट में बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, ये देखो पोएट्री से भी आ जाएगा, हर जगह आपको ऑप्शन मिलेगा। इंग्लिश का पेपर तो इतना आसान बनाया गया है ना कि आपको ऑप्शन से भर दिया गया है, करिए आपको जितना करना है। मतलब देख रहे हैं कार्टून वोटून भी डाल दिया गया है, कितना मजा आया आपको। चलिए भाई खत्म होगा रीडिंग। हाँ, ये आ गया आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, पांच पांच नंबर के। ध्यान ये रखना है कि उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, पहला लेटर लिखने के लिए आएगा, दूसरा पैराग्राफ राइटिंग है। ठीक है, पैराग्राफ ये ना, हाँ पैराग्राफ। लेटर, दोनों लेटर का फॉर्मेट पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, घबराइए मत। और पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है ये भी बताऊंगा। पांच पांच नंबर के दोनों क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा और दोनों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। जब भी पैराग्राफ लिखते हैं, जब भी आप लेटर लिखते हैं, फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपने फॉर्मेट सही से लिखा है, मेटा थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तब भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो मेरी बातें समझा करो, अगर मैं कुछ कहता हूं तो अच्छे तरीके से कहता हूं तो समझा करो। ठीक, लिटरेचर की बात करें, 30 नंबर यहां पे है, 10 नंबर आपका लिटरेचर जो है वो रीडिंग सेक्शन में था। ठीक है, तो लिटरेचर में भी मैंने बताया था आपको कि बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको कि चार, दो दो नंबर के चार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दो आपके फर्स्ट फ्लाइट से रहेंगे, दो आपके उससे एक और बुक जो सप्लीमेंट्री वाली बुक है, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, उससे रहेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको तीन क्वेश्चन दिए रहेंगे, सिर्फ दो करेंगे, इसमें भी तीन क्वेश्चन दिए रहेंगे, दो करेंगे। ठीक है, इस तरह से दो दो नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। फिर बात करें तीन तीन नंबर वाले चार क्वेश्चन, सेम वाई काम, तीन में से दो करना होगा आपको। ठीक है, इसमें से और सप्लीमेंट्री वाली बुक में से तीन में से दो। ठीक है, इस तरह से चीजें रहेंगी। पांच पांच नंबर की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट फ्लाइट से और एक क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री वाली किताब से रहेगा। उस किताब का देखो मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है, जबकि बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया था मैंने। ठीक है, देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिख दिया है, द ब्लैक एरोप्लेन, अब क्या चाहिए भाई तुम्हें। ठीक है, तो इस तरह से चीजें रहेंगी। इसमें भी दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, इसमें भी दो क्वेश्चन में से एक करना है। तो ये रही बात इंग्लिश की। इंग्लिश की मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई थी कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेपर होगा, क्या चैप्टर डिलीट हुआ है, चैप्टर डिलीट आप सब लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हिंदी की, कितनी हिंदी में कितनी अच्छी तरीके से चीजें लिखी गई है। ठीक है, 80 नंबर, इस प्रश्न पत्र के दो खंड होंगे, खंड अ ब। अ ब क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ए और बी लिखा जाता है। ठीक है, ये है आपका ए और ये है आपका बी। ठीक है, अब में कुल 9 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए यहां से देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 अपठित गद्यांश जिसे कहते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन, 10 नंबर आपका यहां से मिलेगा। ठीक है, अनसीन पैसेज से एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो पहला वाला करिए या तो दूसरा वाला करिए। ठीक है, चलिए यहां पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे भी आपको 5 नंबर। ध्यान क्या रखना है कि पहले क्वेश्चन में एक जो है वो आपकी कहानी वाली अपठित गद्यांश होगी। ठीक है, जिसे प्रोज कहते हैं हम, प्रोज में से आपके पास दो ऑप्शन होंगे, किसी एक को उठाना है, बहुत जल्दी चूज करना होता है, क्योंकि आपको जो कहानी अच्छी लग जाए उसको चूज करिए और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पोएट्री से भी दो सेक्शन, दो पार्ट रहेंगे पांच पांच नंबर के, इसमें से भी आपको दो ही अटेम्प्ट, मतलब एक पार्ट ही अटेम्प्ट करना है। ठीक, चलिए व्यवहारिक व्याकरण, 16 नंबर का आपका ग्रामर होगा। ठीक है, 16 नंबर का, एक बार मैं हिंदी का भी सिलेबस आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, उसकी वीडियो जल्दी लेके आऊंगा ताकि आपको हिंदी भी चीजें क्लियर हो। मैं चाहता हूं कि आप हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दें, हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जो है ना कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, हिंदी और इंग्लिश को बहुत कम तवज्जो देते हैं, ये चीज गलत है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे भी रहेंगी।
ग्रामर है आपका, ग्रामर आप आराम से कर लेते हैं। इसमें भी ऑप्शन दिया गया, हर हर क्वेश्चन में आपको 5 में से 4 ही करना है, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई। अब आपकी किताब की बात करें तो जो आपकी किताब से है वो 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितने नंबर का? 14 नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। ये भी आपके देखिए, जैसा इंग्लिश में क्या था, बुक से भी ये कंसीव पैसेज था ना, फ्लोज और पोएट्री का, यहाँ पे भी रहेगा, 5 में से 4 ही करने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 में से 1 और 2, हाँ दोनों करने हैं, इसलिए यहाँ पे लिखी रहती है कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये भी पद्यांश को पढ़ के, मतलब कि वो पोएट्री को पढ़ के आपको आंसर लिखने हैं, ठीक। यहाँ पे भी वही चीज है। अब देखो, अगर ये चीजें लिखी रहती है ना तो इसका महत्व होता है, इसको ध्यान में रखा करो। 25 से 30 वर्ड लिखा गया तो 3 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आंसर, कहानी नहीं लिख के आनी है। हालदार साहब कैप्टन को देखकर क्या लिखा हुआ भाई, अवाक क्यों रह गए, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखी, तो अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, फिर 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद लेखन, दैट इज राइटिंग सेक्शन, इसमें आपको अनुच्छेद लेखन करना है। इस ऑप्शन दिया गया है कि नहीं, हाँ किसी एक पे लिखना है, 1, 2, 3, तीन क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, इसमें से एक किसी एक, कोरोना वायरस पे लिख देना, एकदम दिमाग में कोरोना वायरस घुसा हुआ है, पूरा लॉकडाउन के बारे में बता देना कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, खाने नहीं दिया जा रहा था, आपको दिन भर गेमिंग कराया गया, आप तो दिन भर गेमिंग कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वही लेटर लिखने वाली बात है, यहाँ पे आपको पर्यावरण विभाग की तरफ से विज्ञापन, विज्ञापन आप लोग सीख लीजिएगा किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। किस तरह से चीजें आप न्यूज में, जब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट जो देखते हैं वही चीज होती है विज्ञापन, ठीक। अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर उसको बधाई संदेश लिखे, तो इस तरह से आपकी हिंदी फॉर्म में हिंदी चीजें रहेंगी, ठीक है। हर चीज में आपको ऑप्शन दिएगा, सबसे अच्छी बात यह। चलिए बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन की, बहुत सारे बच्चों की ये भी दिक्कत होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन का पार्ट किस तरह से होगा। इसमें भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। पार्ट ए कैरीज 20 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, एंड पार्ट बी कैरीज 30 मार्क्स क्वेश्चन। कंप्यूटर का पेपर आपका 50 नंबर का ही होता है, 50 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं। पार्ट ए में देखिए 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन फर्स्ट में आपको 13 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 10 × 1, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। फिर पार्ट सेकेंड में केस स्टडी वाले रहेंगे, जिसमें 7 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, कितने करने हैं, सिर्फ 5 करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें रहेंगी, 5 इसका नंबर अभी देख लेंगे हम लोग। और पार्ट भी किस तरह से रहेगा, 16-20, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं। और चलिए ये देखते हैं, सेक्शन ए जो है वो आपका क्वेश्चन 13 क्वेश्चन रहेंगे, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 10, ठीक है। सेक्शन सेकंड की बात करें तो सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 7 दिए रहेंगे, ये आपके केस बेस्ड वाले रहेंगे, और इसमें से भी एक एक नंबर आपको हर एक क्वेश्चन पे मिलेगा, इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी जहां पे जरूरत होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई कंप्यूटर की। पार्ट बी की बात करूं तो यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से रहेंगी, इंटरनल चॉइसेस यहाँ पे दी गई हैं, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, सारी चीजें ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, जहां जरूरत रहती है वहां इंटरनल चॉइस दी रहती है। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि सारे सब्जेक्ट के हमको पेपर के फॉर्मेट तो दिखाई दे दिए भैया, हम डाउनलोड भी कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल भी दूंगा, टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, rankers@rankers9_10 टेलीग्राम पे सर्च करो, ये बहुत अच्छी चीज है। टेलीग्राम क्या है ना, हम अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हैं, इसलिए मैं टेलीग्राम को ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे बहुत सारी चीजें हम लोग नोट्स पीडीएफ वगैरह जो भी हमको इंटरनेट से या फिर अपने खुद से जो चीजें मिलती हैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। उसके बाद आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जा रही है, आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत हो आप हमसे खुल के बात कर सकते हैं, जो भी दिक्कत होगी आप हमें बता सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, ठीक है। पर्सनली हमसे जो भी दिक्कत आ रही है हमसे बताइए, ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। हाँ, अब बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सारे सब्जेक्ट हो गए, पेपर अटेम्प्ट करने, वीडियो शायद ज्यादा लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, पेपर अटेम्प्ट इस तरह से करना है, जो भी सब्जेक्ट हो आपको जो चीजें पहले आती हैं उसको पहले करेंगे,
और कोशिश हमेशा किया करिए ना बड़े क्वेश्चन पहले निपटा लिया करिए, क्योंकि अगर लास्ट में पहुंचते पहुंचते अगर आपके बड़े क्वेश्चन छूट गए ना तो आपका बहुत बड़ा नंबर जो है वो छूट जाएगा। इसलिए बड़े क्वेश्चन पहले निपटाए जाते हैं और लास्ट में कोशिश किया जाता है कि एक एक नंबर को लास्ट में करें, क्या कि वो फटाफट भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, एक एक लाइन लिखनी होती है, इसलिए बड़े क्वेश्चन पहले किया जाता है। ये आप SST में उठा सकते हैं इस चीज को, साइंस में उठा सकते हैं, मैथ में उठा सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग सेशन को लास्ट में रखिएगा, अगर रीडिंग सेशन में आप पहले पढ़ते हैं तो शायद कुछ बच्चे ज्यादा टाइम देते, हो सकता है आपकी अलग स्ट्रेटजी हो, ठीक है। हिंदी में भी यही काम करेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं तो उसमें बड़े क्वेश्चन आप भी पहले वहां भी करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत अच्छे से डिटेल में सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, किस तरह का आपका पेपर का फॉर्मेट होगा, ये सारी चीजें मैंने CBSE की वेबसाइट से आपको बताई है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। नए सिलेबस पे नया फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज समझ में आएंगी। चलिए यहीं पर मैं आपको वीडियो एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।